वित्त मंत्रालय द्वारा निजीकरण को लेकर किए गए ऐलान के बाद से ही सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अब तक एक एक कंपनी को निजी हाथों में सौंपने की योजना को बदलकर अब सरकार ने लगभग सब कुछ बेचने की तैयारी कर ली है। वैसे सरकार का दावा है कि मालिकाना हक नहीं बेचा जा रहा है, सिर्फ कामकाज के संचालन का जिम्मा ही निजी कंपनियों को दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष सरकार की सफाई पर ही सवाल उठा रहा है। इसे लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। मोदी सरकार ने देश को भले ही कुछ न दिया हो, लेकिन सरकार सब कुछ बेचने की कोशिश जरूर कर रही है। मोदी सरकार की निजीकरण की नीति अब सवालों के घेरे में आ गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रीय हितों के संरक्षण की बात करने वाली इस सरकार ने अब अपना ईमान भी बेच दिया है। ये सरकार अपना ईमान पहले ही बेच चुकी है और अब देश की संपत्ति को बेचने में जुट गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सबसे पहले ईमान बेचा और अब। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी सरकार 70 साल में अर्जित देश की संपत्ति को अपने कुछ पूंजीपति मित्रों को बेचकर देश के भविष्य को अंधेरे में धकेल रही है। सरकार की योजना को लेकर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी सवाल उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के नाम पर राष्ट्रीय मित्रीकरण योजना थोपी जा रही है। राष्ट्रीय संपत्ति को मित्रों के हवाले किया जा रहा है। मोदी सरकार का मित्रीकरण योजना राष्ट्र के लिए हानिकारक साबित होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।